आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे यहाँ काफ़ी सारे पेशेंट लोग लेके आते हैं, अलग अलग गाँव से, अलग अलग सिटीज से, देश से, प्रदेश से, और उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने एक पेशेंट का पेश करता हूँ, आपको भी उसमें समझ आएगा कि किस तरह के पेशेंट रहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो पेशेंट नहीं है, मगर वो पेशेंट रहता है। और फिर जब ज़्यादा वो बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर डॉक्टर के पास में लेके आते। तो यदि हमने पहले उसको डिटेक्ट कर लिया, पहले कुछ दिनों में उसको डिटेक्ट कर लिया, पकड़ लिया बीमारी को, और हमारे पास में लेके आए, तो उसका इलाज अच्छा हो सकता है। अभी ये जो लड़का मैं बताने वाला हूँ, ये करीब करीब 28 साल का लड़का है। उसने 12th कर लिया, 12th के बाद में एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया। होटल मैनेजमेंट का कोर्स ऐसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर लिया। बाद में MBA ज्वाइन कर लिया। MBA ज्वाइन करने के बाद में भी कुछ पूरा कर नहीं पाया। फिर कोई होटल में नौकरी ले ली। अभी होटल में नौकरी लेने के बाद में क्या होता है, होटल का जॉब जो है वो रहता है डिमांडिंग जॉब। तो वहाँ डिमांडिंग जॉब होना, तो वो जो उनके मैनेजर जो है उधर से चिल्लाएंगे, इधर काम करो, ये काम करो, वो काम करो। तो वो जो स्ट्रेस और टेंशन था उसमें वो टूट गया। बोले मेरे से नहीं होगा ये काम, आप तो बहुत चिल्लाते हो, आप तो मुझे एकदम एक जगह बैठने में देते नहीं हूँ, मैं ये नहीं काम कर सकता हूँ, वो नहीं काम कर सकता हूँ, मैं खड़े रह सकता नहीं, मतलब ऐसा कुछ। तो भी उसने कारण देके वहाँ से रिजाइन मार दिया और घर पे आके बैठ गया। फिर माँ बाप ने उसको और दूसरी जगह चिपकाया कि चलो भाई और दूसरे होटल में जाके काम कर। फिर वहाँ भी जाने के बाद में उसने बोला कि मुझे ये काम नहीं आता, वो काम मैं करूँगा नहीं, आप मुझे ट्रेनिंग दे दो। कोई ट्रेनिंग देने के लिए आ गया तो उसको बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को तो ये ट्रेनिंग लेना ही नहीं है। पर ऐसे कैसे उठपटांग बातें करेगा और वो छोड़ देगा। उसने सेकंड नौकरी भी छोड़ दिया। ऐसे उसने 3-4 होटल की नौकरी छोड़ दी और घर में बैठ गया। अभी माँ बाप को ये प्रॉब्लम है कि घर में इतना बड़ा बेटा है, घर में बैठा हुआ है, काम करने को तैयार नहीं है, खाता पीता और मस्त बैठते जाता है, और बैठे बैठे ऑनलाइन अपना रिज्यूम भेजते जाता है। उसको कुछ छेड़ा तो वो एकदम गर्म हो जाएगा, एकदम इरिटेट हो जाएगा, चिढ़ेगा। इसलिए कि कोई उसको घर में कोई बोलता भी नहीं है, अकेले बैठेगा वो। कभी कभी एक आधे बार ऐसा लोगों ने देखा है कि एक आधे बार वो मुस्कुराता है या एक आधे बार उसके होठ हिलते हुए दिखते हैं, अदरवाइज बोलने चालने में एकदम वो नॉर्मल है। सबसे अच्छी बात करेंगे और खाएंगा कम, बहुत ही कम खाएंगा, बैठे रहेंगे, कहीं किसी से बातचीत नहीं, कहीं बाहर आना जाना नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, और ऐसा उदास जैसा बैठेगा। अभी माँ बाप को ही चिंता होती है, अभी इसका करना क्या। कहीं भी उसको काम को लगा दिया तो वहाँ कुछ ना कुछ वो नुक्स निकालेगा और बोलेगा मेरे बॉस अच्छे नहीं है, या कंपनी अच्छी नहीं है, नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे लायक काम नहीं है। ऐसा करके उसने काफ़ी सारी नौकरियाँ छोड़ दिया है। खुद होके कहीं रिज्यूम देके आता नहीं है, खुद होके कहीं जाके नौकरी मांगता नहीं है, खुद का बिजनेस चालू करने के लिए बोलते रहता है मगर खुद का बिजनेस भी चालू करता नहीं है। प्राइवेट कहीं चिपका दिया तो प्राइवेट भी कहीं, घर के बाहर पढ़ने को वो तैयार ही नहीं है। और ऐसे अवस्था में माँ बाप को चिंता होती करना क्या है। जब उस ये लड़के को मेरे पास में लाया, मैंने उसको काफ़ी असेस किया 1-2-3 सीटिंग में। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि भाई बीमारी है क्या, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, मतलब है क्या प्रॉब्लम, काउंसलिंग से अच्छा हो जाएगा कि दवाई दूंगा। फिर उसका मैंने IQ टेस्ट किया। अब IQ टेस्ट में मालूम पड़ा कि उसका IQ जो है ना वो बॉर्डर लाइन है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा होशियार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है, मठ भी नहीं है। फिर उसको मैंने कुछ अलग अलग टेस्ट दिया साइकोलॉजिकल, और वो टेस्ट में मालूम पड़ा कि इसका जो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो ऐसा रिजाइंड एंड सिनिकल जैसा मूड रहता है ना, रिजाइंड एंड सिनिकल मतलब नाराजगी का सुर रहना, कोई इसमें पड़ा नहीं है, ये काम करके क्या फ़ायदा है, ऐसा इस तरह का उसका उसमें एटीट्यूड देखा, और ब्लेमिंग वाला एटीट्यूड ज़्यादा दिखा। नेक्स्ट उसका वो टेस्ट में दिखा कि शक कर रहा है, लोगों के जो इरादे उसके ऊपर ये शक करते रहता है। और नेक्स्ट वो भी दिखा कि अपने आप के ऊपर कोई ब्लेम लेने के लिए, अपने आप के ऊपर कुछ भी देखने के लिए, अपने आप को अंदर ढांकने के मतलब झांकने के लिए तैयार ही नहीं है। बोले मेरे में कुछ नहीं है, मैं तो बराबर हूँ, लोग ठीक नहीं है। और वहाँ से फिर वो काम करना चालू करेगा, वहाँ से बातचीत करना चालू करेगा कि लोग ठीक नहीं है तो लोगों को ब्लेम करना। उसकी अपनी इमेज जो है, खुद के बारे में खुद का मत और खुद के बारे में खुद की प्रतिमा, स्व प्रतिमा, वो भी इतनी डाउन है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, वैसा भी मैं क्या कर सकता हूँ, वैसा भी मेरी ताकत कम है, मेरी एनर्जी कम है, मैं कोई काम का होऊंगा कि नहीं होऊंगा क्या मालूम, मैं कुछ काम कर सकूंगा कि नहीं, मेरे लिए कुछ संभव नहीं, मतलब इस तरह का वो बातचीत करेगा। तो ये ना पूरा स्किज़ोफ्रेनिया है कि भाई एकदम पागल है, ना वैसा है, ना एकदम नॉर्मल भी है क्योंकि काम करने को तैयार नहीं है, अकेला बैठे रहता है, चुपचाप बैठे रहेगा, तो ना कोई नॉर्मल है, कोई खुद को ऑक्यूपेशन मतलब कोई काम करेगा, नौकरी करेगा, धंधा करेगा, उसके लिए भी तैयार नहीं है,
और फिर माँ बाप को तकलीफ होती है कि अब इसका करना क्या। तो ऐसे इसमें जब मेरे पास में लाया तो मैंने माँ बाप को यह किया कि भाई इसको सिंपल स्किजोफ्रेनिया है, और सिंपल स्किजोफ्रेनिया है, बॉर्डरलाइन केस है, फ्रैंक सिम्टम्स नहीं है स्किजोफ्रेनिया के, मगर कुछ मात्रा में इसको स्किजोफ्रेनिक सिम्टम्स हैं। एपेथी है, भावना नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भावना दिखेंगी नहीं उसके चेहरे पे, चेहरा एकदम फ्लैट दिखेगा और एकदम एपेथेटिक है, और कुछ इंटरेक्शंस नहीं किसके साथ में, अकेला बैठे रहना, तो एकदम ऐसा क्लासिकल वो केस है। अभी इसमें होता क्या है कि दवाई भी बहुत ज़्यादा काम करती नहीं, उसको मैंने एंटीसाइकोटिक्स भी दिए, माँ बाप को काउंसिलिंग किया, उसके साथ में वार्ता की, बातचीत किया कि भाई अभी क्या संभव है, तुमको ये प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम जो अभी तक बताया वो, अभी आगे कैसा आप जियोगे, आगे का जीवन कैसा रहेगा, उसके बारे में उसको काउंसिलिंग, कि वो बातचीत अच्छी करता था, वो बोलता था बहुत अच्छा, ऐसा कोई थिंकिंग डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर ऐसा भी कुछ नहीं था। तो धीरे 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 उसको वो भी समझ में आया कि भाई अपने में कोई प्रॉब्लम है, एनर्जी नहीं है, थिंकिंग स्लो है, और इसमें अपने को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, वो उसको समझ में आया। अभी भी काउंसिलिंग चालू है, दवाई चालू है, और धीरे 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 अभी उसकी इच्छा हो रही है कि कुछ ना कुछ मैंने करना चाहिए, कहीं ना कहीं नौकरी करना चाहिए। अभी उसने लोगों को रिज्यूम देना चालू किया कंपनियों में, और अभी उसको लगता है कि नहीं अभी मैं जाके काम करूँगा। तो इस तरह के पेशेंट रहते हैं, और माँ बाप को फिर बहुत तकलीफ होती है कि अभी इसका करना क्या है। क्या होता है कि पागल व्यक्ति जो है ना, वो फटाक से उसको पकड़ के लाएंगे, इलाज करेंगे। ये क्या होता है कि ये जो सिंपल्स के ऊपर धीरे 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 चालू हो जाएगा, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता घर के लोगों को कि ऐसी बीमारी चालू हो गई अंदर करके, और फिर बहुत ज़्यादा जब होता है तब उनको लगता है कि नहीं अभी डॉक्टर के पास में लेके जाना पड़ेगा। जब डॉक्टर के पास में लेके आते तो टाइम हो जाएगा, और वहाँ तब कुछ नहीं कर सकते। मुझे आपको इतना ही कहना है कि यदि आपके बेटे में बेटी में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दिए कि जो नॉर्मल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ है मगर पकड़ में नहीं आ रही, समथिंग इज इरेटिक, कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी पकड़ में नहीं आ रही है, नॉर्मल नहीं है, तो उसको पकड़ना और कंसल्टेशन करना जरूरी है, क्योंकि उसको वो जो सिम्टम है उसको पकड़ना पड़ेगा, और बेटे को बेटी को डॉक्टर के पास में जाके कंसल्टेशन करके उसका सही इलाज चालू करना पड़ेगा। जितना जल्दी इलाज चालू करेंगे उतना अच्छा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों का एजुकेशन में हो जाएगा, और लोग अपने कोई रिश्तेदार जो है, घर के लोग हैं, उनका जल्दी इलाज चालू करेंगे और उनका जीवन वो अच्छा जी सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।